केंद्र और बंगाल सरकार के बीच विवाद जारी है। अब चीफ सेक्रेटरी को लेकर दिल्ली बुलाए जाने को लेकर दोनों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में उन्हें रिलीव करना संभव नहीं है। साथ ही आग्रह किया है कि उनके तबादले का आदेश वापस ले लिया जाए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार उन्हें रिलीव नहीं किया है। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र की तरफ से 31 मई की सुबह 10 बजे तक दिल्ली में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें अब तक रिलीव नहीं किया है। अलापन बंदोपाध्याय आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। उस बैठक में यास चक्रवात और कोरोना महामारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। इधर केंद्र के सख्त रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि अलापन को रिलीव न करने पर बंगाल सरकार को केंद्र की तरफ से निर्देश जारी किया जा सकता है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर पूर्व शीर्ष नौकर शाहो और विधि विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले दिल्ली बुलाने के पहले आदेश का अनुपालन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करने से इनकार कर सकती है। आपको बता दें, केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने के उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों बाद दिया।